गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल स्टार्ट योर एसएससी क्लासेस ऑनलाइन। नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम सेकंड क्लास। आवर टॉपिक इज, जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 6, आवर नेबरहुड, यानी कि हमारा जो आस पड़ोस है उसके बारे में रीड करेंगे इस चैप्टर के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा PT1 एग्ज़ाम हुआ है उससे पहले हमने जो ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, इसके अंदर हमने इस चैप्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स और वर्ड मीनिंग कर लिए थे। जिस स्टूडेंट ने नहीं किए हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से करवा रही हूँ। सबसे पहले चैप्टर नेम ड्रॉ करेंगे, आवर नेबरहुड, NEIGHBOURHOOD, नेबरहुड। उसके बाद हेडिंग डालेंगे क्यों डिफ़िकल्ट वर्ड्स। हमारा फर्स्ट डिफ़िकल्ट वर्ड है नेबरहुड, NEIGHBOURHOOD, नेबरहुड। सेकंड है कंफर्टेबल, COMFORTABLE, कंफर्टेबल। थर्ड है मार्केट, MARKET, मार्केट। फोर्थ है एम्बुलेंस, AMBULANCE, एम्बुलेंस। फिफ्थ है एमरजेंसी, EMERGENCY, एमरजेंसी। सिक्स्थ है स्टेशन, STATION, स्टेशन। सेवन्थ है फाइटर्स, FIGHTERS, फाइटर्स। एट्थ है गारबेज, GARBAGE। नाइन्थ है इंजर्ड, INJURED, इंजर्ड। टेंथ है स्टेशनरी, STATIONERY, स्टेशनरी। उसके बाद हेडिंग डालनी है डिफ़िकल्ट नहीं वर्ड मीनिंग्स। हमारा जो फर्स्ट वर्ड मीनिंग है वो है नेबरहुड, NEIGHBOURHOOD, नेबरहुड मीन्स पड़ोस। सेकंड है इम्पोर्टेंट, IMPORTANT, इम्पोर्टेंट मीन्स आवश्यक। थर्ड है ग्रोसरी, GROCERY, ग्रोसरी मीन्स किराने का सामान, यानी कि जो हमारे परचून का सामान होता है वो। फोर्थ है स्टेशनरी, STATIONERY, स्टेशनरी मीन्स लेखन सामग्री। फिफ्थ है डिस्पेंसरी, DISPENSARY, डिस्पेंसरी मीन्स दवाखाना। सिक्स्थ है डिपॉजिट, DEPOSIT, डिपॉजिट मीन्स जमा करना। सेवन्थ है स्टेशन, STATION, स्टेशन मीन्स स्थान। एट्थ है सर्च, SEARCH, सर्च मीन्स खोज करना। नाइन्थ है गारबेज, GARBAGE, गारबेज मीन्स कूड़ा कचरा। टेंथ है सेफ, SAFE, सेफ मीन्स सुरक्षित। डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ड मीनिंग्स एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, जिस स्टूडेंट ने नहीं किए हों वो नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में राइट करेंगे और लर्न भी करेंगे। आज हम इस चैप्टर की रीडिंग करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आवर नेबरहुड, यानी कि हमारा जो पास पड़ोस है या आस पड़ोस जो भी है वो क्या होता है, हमारा पड़ोस कहलाता है, नेबरहुड है, आस पास का जो भी चीज़ें हैं। द एरिया अराउंड आवर हाउस इज कॉल्ड आवर नेबरहुड, यानी कि जो हमारे घर के चारों ओर का जो एरिया होता है वो हमारा आस पड़ोस कहलाता है, पड़ोस कहलाता है। द पीपल हु लिव इन द नेबरहुड आर आवर नेबर्स, जो लोग हमारे पड़ोस में रहते हैं वो हमारे क्या हैं, पड़ोसी हैं। वी नीड वेरियस थिंग्स डेली दैट वी कुड अवेल फ्रॉम आवर नेबरहुड, हमें हर दिन अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है, किसके लिए अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो कहाँ पर उपलब्ध होती है हमें, हमारे आस पड़ोस में। ए गुड नेबरहुड हैज़ ऑल द इम्पोर्टेंट प्लेस एंड सर्विसेज दैट मेक आवर लाइफ ईजी एंड कम्फर्टेबल, एक अच्छा पड़ोस वो होता है जिसके अंदर सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें अवेलेबल होती हैं, जो हमारी लाइफ को आरामदायक और कम्फर्टेबल बनाती हैं, ईजी बनाती हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, लैंडमार्क्स आर फेमस प्लेसेस और बिल्डिंग्स इन ए नेबरहुड दैट हेल्प अस टू फाइंड वेयर ए प्लेस, जो लैंडमार्क्स होते हैं वो किसी भी स्थान पर या किसी भी बिल्डिंग पर वो हमें ये ढूंढने में हेल्प करते हैं कि कोई भी स्थान कहाँ पर है। लुक एट द पिक्चर्स एंड टिक राइट मार्क्स द प्लेस वेयर आर देयर इज योर नेबरहुड, ये कुछ पिक्चर्स दिखाई हुई हैं जिनको आपको देखना है और उसके बाद उस पर टिक करना है कि कौन सी पिक आपके पड़ोस में है, जैसे हॉस्पिटल जो आपके आसपास हो, पार्क यहाँ पर ये दिखाया हुआ है ये आपके आसपास हो, नहीं बस स्टैंड है, ये बस स्टैंड आपके आसपास हो। उसके बाद ये थर्ड जो पिक है इसके अंदर फायर
फायर ब्रिगेड ऑफिस है, यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये अगर आपके आस पड़ोस में तो इस पर भी टिक करना है। और फोर्थ है स्कूल की बिल्डिंग है, तो आपके आसपास स्कूल है तो उस पर टिक करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। थैंक यू।